हेलो स्टूडेंट्स, ड्रीम क्लास की चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अब तक आपने हमारे ASP.NET की प्लेलिस्ट में देखा है कि मैंने आपको बेसिकली ASP में इंसर्ट, डिस्प्ले और रिपीटर से डिलीट किस तरह करते हैं वो सिखाया है। ओके, एक बार हम लोग आज रिकेप कर लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने ASP.NET में क्या क्या सीख लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। आप लोग रन में जाके DEV डेवलपमेंट एनवायरमेंट लिख सकते हैं, आपको IDE ओपन होगा। ओके, यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट में हमारे पास स्टूडेंट मैनेजमेंट है। अगर रिसेंट प्रोजेक्ट में आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप अपने प्रोजेक्ट को फाइल में जाके ओपन भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से मैं अपने जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा लोड लगेगा क्योंकि ये कैच मेमोरी से डेटा नहीं आ रहा है, सीधा हमारे हार्ड ड्राइव मेन मेमोरी से डेटा को लेके आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट प्रिपेयरिंग हो रहा है सॉल्यूशन के लिए। आज का हम लोग पहले एजेंडा देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। रिपीटर से हम लोग एडिट अपडेट करना सीखेंगे। ओके, देन किस तरह हम लोग बेसिकली ग्रिड व्यू में डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। ग्रिड व्यू से आप लोग डिलीट और अपडेट करोगे तो वो आपको बेसिकली आपके एकेडमिक के लिए काम आ सकता है। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको वेब एप्लीकेशंस में, मतलब रियल में आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा, वो बेसिकली आपको कोड को मैनेज करके दे रहा है। ओके, देन उसके बाद हम लोग सेशन एंड कुकी स्टेट मैनेजमेंट सीखेंगे। देन उसके बाद फाइल अपलोड, यूज़र प्रोफाइल किस तरह मैनेज करते हैं वो देखेंगे। ओके, और भी उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो वन बाय वन आप हमारी चैनल पे कंटिन्यू बने रहे ताकि आप इजीली अपने करियर को स्मूथली ग्रोथ कर सकते हैं ASP.NET वेब एप्लीकेशन में। ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमारे यहाँ पे अब तक हम लोगों ने देखा था कि मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले मास्टर पेज क्रिएट किया था। ओके, अगर मास्टर पेज आप लोगों को नहीं मिल रहा है सो आप व्यू में जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोर ओपन कर सकते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन एक्सप्लोर हो गया है, जहाँ पे हमारे अब तक मैंने बूटस्ट्रैप इंक्लूड किया है, दो एक ए स्टूडेंट लिस्ट स्टूडेंट करके एक मैंने फाइल्स बनाई थी अलग अलग सेपरेट। मास्टर पेज में मैंने बेसिकली नेव बार इंक्लूड किया था। ओके, जहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप भी इंक्लूड की थी, आप डिज़ाइन में जाके देख सकते हैं। ओके, डिज़ाइन में आप लोगों को लग रहा होगा ब्रेकेबल है, लेकिन जैसे ही आप लोग रन करेंगे सो आपको प्रॉपरली पेज डिस्प्ले हो गए, वेब पेजेस। कभी भी मास्टर पेज रन नहीं करना है आपको, आपको हमेशा आपके वेब फॉर्म वेब पेजेस रन करना है। ओके, सो एड स्टूडेंट में हमने बेसिकली वेब फॉर्म एक एड किया था जिसके अंदर अलग अलग कंट्रोल्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग वैलिडेशंस कंट्रोल सेट किए थे। वैलिडेशंस कंट्रोल आप लोगों को टूल बॉक्स से मिल जाएगा। अगर आप लोगों में टूल्स बॉक्स डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप व्यू में जाकर टूल बॉक्स डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, वैलिडेशन कंट्रोल में हम लोगों ने रिक्वायर फील वैलिडेटर्स, कंपेयर वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, वैलिडेशन समरी, उस टाइप के वैलिडेशन देखे थे। फिर डेटा को इंसर्ट किया था, एक अलर्ट सक्सेस मैसेज हमने ड्रॉप किया था बटन की क्लिक पे। ओके, देखिए लेवल वन में हम लोगों ने एक बूटस्ट्रैप का अलर्ट डिस्प्ले किया था। ओके, फिर जो डेटा डिस्प्ले करवाते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रिड व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, 100 बटन की क्लिक पे हम लोगों ने ग्रिड व्यू को डिस्प्ले करवाया था। ओके, डेटा सेट और डेटा एडेप्टर की मदद से हम लोग डेटा फेच करवा रहे थे। डेटा एडेप्टर क्या था? डेटा एडेप्टर इज अ ब्रिज बिटवीन द योर SQL कनेक्शन एंड डेटा एडेप्टर्स, योर SQL कनेक्शन कमांड्स एंड डेटा सेट्स, वो ब्रिज एक प्रोवाइड कर रहा था। ओके, डेटा सेट से हमने फिर डेटा को फिल करवाए थे, देन ग्रिड व्यू पे डेटा को बाइंड करवाए थे। फिर मैंने आपको बटन के क्लिक पे भी, यहाँ पे 100 वाले बटन के क्लिक पे भी जो वैलिडेशन आ रहे थे उसके लिए कॉजेज वैलिडेशन फॉल्स करना सिखाया था। अगर कॉजेज वैलिडेशन वाली प्रॉपर्टी आप फॉल्स नहीं करेंगे तो आपके जब 100 वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो भी वो वैलिडेशंस को ट्रिगर करेगा। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एक लिस्ट स्टूडेंट करके नया पेज बनाया था, जहाँ पे हम बेसिकली रिपीटर कंट्रोल की हेल्प से डेटा को बाइंड कर रहे थे। रिपीटर कंट्रोल के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि हेडर टेम्पलेट, आइटम टेम्पलेट, फुटर टेम्पलेट, सेपरेटर टेम्पलेट, इस तरह के कुछ अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। जहाँ पे आइटम टेम्पलेट के अंदर हम लोगों ने बेसिकली ईवेल फंक्शंस की हेल्प से टेबल के डेटा को फेच करवाया था। सो इट विल वर्क लाइक एज ए इटरेशन मेथड। ओके, उसके बाद हम लोगों ने रिपीटर कंट्रोल के अंदर एक क्वेरी स्ट्रिंग सेट की थी। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग्स हमारे पास यहाँ पे HREF से पास हो रही है। जो लिस्ट स्टूडेंट वाले पेज पे जाएगा, वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू,
एम पर्सन सेपरेट से आप मल्टीपल वेरिएबल वैल्यू पास कर सकते हैं। लिस्ट स्टूडेंट की पेज की लोड पे हमने वो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग को यहाँ पे चेक करवाया था, फिर उसके बाद डिलीट स्टूडेंट वाला फंक्शन कॉल करवाया था जिसके अंदर एक पैरामीटर पास कर रहे थे जो हमें क्वेरी स्ट्रिंग से मिल रहा था। ओके, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको इजीली दिखे। देखिए यहाँ पे पेज बटन लिस्ट स्टूडेंट वाले पेज की लोड पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग हम लोगों ने जो एस आई डी वेरिएबल है जो हमारा यहाँ से पास हो रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, यहाँ से एस आई डी जो पास हो रहा है वो मैंने यहाँ पे पेज की लोड पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग्स जो हमारे पास क्वेरी स्ट्रिंग्स के इनबिल्ट मेथड है उसको मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आई डी करके वेरिएबल में स्टोर करवाया है। डिलीट स्टूडेंट करके एक फंक्शन बनाया था जो स्टूडेंट आई डी पास कर रहा है, डिलीट स्टूडेंट में हम लोग यहाँ से एज अ पैरामीटर वेरिएबल को गेट करेंगे और डिलीट की क्वेरी फायर कराएंगे, कमांड्स में हम लोग डेटा को पास करेंगे। सो कमांड नीड अ टू पैरामीटर, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विच क्वेरी यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट, देन अगेंस्ट विच एक्टिव कनेक्शंस, देन कमांड्स के हमारे पास एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट स्केलर और रीडर करके अलग अलग मेथड्स हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमने रिपीटर कंट्रोल में डिलीट सीखा था, उसके बाद किस तरह हम लोग टेबल टैग में हमें बूटस्ट्रैप ऐड किए थी, उसके क्लास ऐड किए थे। ओके, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पेज को रन करके देखते हैं कि किस तरह हमारा लेआउट्स डिस्प्ले हो रहा है। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के टाइम पे थोड़ा पेशेंस रखना होगा। डिपेंड्स ऑन योर विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू वॉन्ट टू वर्क, आप कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो। ओके, कॉन्फ़िगरेशंस आपके कौन से हैं। ओके, देखिए अभी मैं यहाँ पे एड स्टूडेंट पे जा रहा हूँ, सबमिट बटन के क्लिक पर हमने अलग अलग वैलिडेशन रखे थे, एज में मैंने रेंज वैलिडेटर रखा था, ईमेल में मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड पर मैंने कंपेयर वैलिडेटर रखा था, बाकी सब पे मैंने रिक्वायर फील्ड वैलिडेटर सेट किए हैं। ओके, एक रिकॉर्ड हम लोग ऐड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड को अगर मैं सेम नहीं इंस्टॉल करूँगा तो वो एरर शो करेगा मुझे। ओके, यहाँ पे मैंने एज पे एज सेट की थी लाइक 82 55, अगर मैं 45 सॉरी 52 एड कर रहा हूँ तो वो भी मुझे एरर थ्रो करेगा। देखिए सो यहाँ पे मैं एक वैलिड एज एंटर कर देता हूँ, जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप के अलर्ट से मैंने यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज प्रिंट करवाया है, अब शो हमने यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले करवाया है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम लोग यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स रख के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। आप ग्रेड व्यू में भी यहाँ पे एडिट डिलीट रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स की एक आईडी ले लेंगे जहाँ पे हम लोग एडिट और डिलीट को इजीली परफॉर्म कर सकें। ओके, देन लिस्ट स्टूडेंट वाले पेज पे हमारे पास रिपीटर की हेल्प से हम लोगों ने डिस्प्ले करवाया था, यहाँ पे देखिए एस आई डी प्रिंट हो रहा है कहीं पे। सो पेज की लोड पे हम लोग जाके चेक कर लेते हैं कहाँ से प्रिंट हो रहा है एस आई डी, एस आई डी सो वेयर इट्स कम फ्रॉम लिस्ट स्टूडेंट्स रिपीटर, एस आई डी ये रहा। ये जो विकास वाला रिकॉर्ड है उसको हम लोग डिलीट करते हैं, यहाँ से देखिए क्वेरी स्ट्रिंग पे गया, यहाँ पे हमने एक बूस्ट जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट मैसेज सेट किया कंफर्म। ओके, एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया है देखिए, लेकिन वो डिलीट जो रिकॉर्ड हुआ है उसके लिए ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग सेट हो रही थी, सो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें वापस यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट करना है, ऑलरेडी सेट है, पोस्ट बैक की इवेंट आपको सेट करनी होगी। ओके, सो आप लोगों के डेटा वापस रिलोड हो जाए पेज के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।